युधिष्ठिर, जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है, उसे अनागत विधाता कहते हैं, और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है, वह प्रत्युपन मति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं। दीर्घसूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घसूत्री के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर आख्यान सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक तालाब में, जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थी। उसमें तीन कार्य कुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उनमें एक दीर्घ कालज्ञ, दूसरा प्रत्युपन मति और तीसरा दीर्घ सूत्री था। एक दिन कुछ मछेरों ने उस तालाब से सब ओर नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है। इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट ना हो, तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े, तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चलें। इस पर दीर्घसूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युपन मति बोला, अजी, जब समय आता है, तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामति दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नाली में होकर गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है, तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। उसके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछेरों ने जाल उठाया, तो प्रत्युपन मति भी सब मछलियों में घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया। वे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए, तो उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय प्रत्युपन मति जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु मंद बुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता, वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्य कुशल हूँ, पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युपन मति नामक मच्छ के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसी से कहा है कि अनागत विधाता और प्रत्युपन मति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। ऋषियों ने इन्हीं को धर्मशास्त्र और मोक्षशास्त्र में प्रधान अधिकारी माना है, तथा ये ही ऐश्वर्य के भी अधिकारी हैं। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है, वह अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है।